हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू अगेन टू माय स्टडी चैनल स्टडी पीडिया नॉलेज वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके तो आज हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में जिसमें कि टॉप फिफ्टी क्वेश्चन हैं और जो कि आने वाले एग्ज़ाम एम और इसरो डी आई यू सी एल एच पी सी एल बार्क इन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो बिना कुछ देरी के हम हम अपनी वैली वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इन केमिकल डी प्रोसेस केमिकल में डी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट जब डी ह्यूमिडिफिकेशन होता है ह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है दोस्तों उसमता और डी ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हो गया जो कि भी की उमस है उसे बाहर निकालना तो इसमें जब बाहर निकलेगी तो वो ड्राई हो जाएगी तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा तो वो रिमेन कॉन्सटेंट रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड सेकेंडरी हार्डनिंग इन स्टील अराइज इज आउट ऑफ दी सेकेंडरी हार्डनिंग जो स्टील होती है सेकेंड स्टेज की जो स्टील होती है वो किस में से निकलती है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा डिकम्पोजिशन ऑफ रिटेन ऑस्टेनाइट अपॉन हीट ट्रीटमेंट जो डीकम्पोजिशन होती है ऑस्टेनाइट की हीट ट्रीटमेंट के ऊपर उसके ऊपर हमें स्टील की सेकेंड लेयर मिलती है जो कि हार्ड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रिल्स आर यूज़ुअली मेड अप ऑफ ड्रिल्स ज़्यादातर जो बनी होती हैं वो किस चीज़ की होती हैं ड्रिल्स बनी होती हैं हाई स्पीड स्टील की तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हाई स्पीड स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टम्बलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग दी डैश ऑफ द मेटेरियल्स एंड पार्ट टम्बलिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों जो टम्बलिंग प्रोसेस जो होता है वो इम्प्रूव क्या करता है जो टम्बलिंग प्रोसेस होता है वो होता है सरफेस क्लीन करने के लिए तो टम्बलिंग का मंत्र भी क्लीन क्लीननेस क्लीनिनेस होती है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा सरफेस क्लीनिनेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव द डैश ऑफ द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एज कंपेयर टू द सिंगल एक्टिंग पंप विल बी ऑलमोस्ट डबल इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है डबल एक्टिंग जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग पंप होती है उसे सिंगल एक्टिंग पंप से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी तो वो क्या होगा तो दोस्तों जैसे कि ये पंप है इट इज यम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वैन वी वैन वी फ्लो ए फ्लड फ्रॉम इन लेट एंड दउटलेट कम फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन एंड दी क्वेश्चन इज जस्ट ऑलमोस्ट से दी इट विल ऑलमोस्ट डबल तो वॉट विल तो चीज़ क्या डबल होगी so, जो डबल होगा वो होगा हमारा आउटपुट क्योंकि अगर हम एक चीज़ करेंगे तो डबल एक्टिंग में पावर ज़्यादा लगेगी जब आउटपुट होगा तो डबल हो जाएगी क्योंकि वो डबल एक्टिंग रेस पंप है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्लो आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश ऑफ एयर डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा थर्मल डिफ्यूज़िबिलिटी थर्मल डिफ्यूज़िबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी एयर में जब इन टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मतलब थर्मल मतलब होता है हीट हीट डिफ्यूजटी नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेरिकल शेप ऑफ़ द मरकरी ड्रॉपलेट इज ड्यू टू दी जो स्पेरिकल शेप होती है स्पेरिकल मतलब होता है दोस्तों ये मतलब मरकरी जो ड्रॉपलेट जो होती है वो जब ज़मीन पे गिरती है तो वो किस चीज़ की मदद से मतलब एक तरीके से बहती नहीं है ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी तो वो क्या होता है तो वो होती है उसकी सरफेस टेंशन तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा हाई सरफेस टेंशन ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन स्पेरिकल शेप ऑफ मरकरी डोबलेट इज जस्ट एट रेस्ट मरकरी का फॉर्मूला होता है एच जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब जीरो ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज डन टू जो सब जीरो ट्रीटमेंट होता है स्टील का वो किसमें होता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा रिड्यूस द रिटेन ऑस्टेडनाइट इन हार्ड स्टील तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एयर पेट्रोल रेशियो फॉर मिक्सिंग पावर जनरेशन इन स्पार्क एग्निशन इंजन इज अबाउट जो हमारी एयर और पेट्रोल का रेशियो होता है इंजन के अंदर पावर जनरेशन के लिए उसमें जो स्पार्क होता है आग लगती है इंजन के अंदर तो वो उसका रेशियो होता क्या है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा ट्वेल्व रेशियो वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ ऑयल प्रेशर ड्यूरिंग एटोमाइजेशन ऑफ द फ्यूल ऑयल थ्रो ए प्रेशर जेट बर्नर तो क्वेश्चन इस जो इस क्वेश्चन में पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ द ऑयल प्रेशर एटोमलाइजेशन जब होता है फ्यूल ऑयल का थ्रो ए प्रेशर जेट बर्नर तो वो किस लिए क्या होता है आउटपुट एंड फाइननेस एंड वेलोसिटी ये दोनों पर डिपेंड करता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलर मेटेरियल यूज इन वेल्डिंग शुड है टू देरेंट मेटल टू बी वेल्टेड दोस्तों इसमें पूछा है जो फिलर मेटेरियल होता है जिससे कि फिल किया जाता है जब किसी चीज़ की जो बीच में से कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे फिल करने के लिए फिलर मेटे मेटेरियल यूज़ होता है तो उसका टेम्परेचर या फिर कोई भी कंपोजिशन तो वो तो वो किस टाइप की होगी जब वो वेल्ट की जाएगी तो वो होगी सेम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका मेटेरिकल मेटेरियल का और सेम कंपोजिशन होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा बोथ बी एंड सी डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड फॉर ऑटोजीनियस परपसेस आर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो कटिंग या वेल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसका मतलब ऑटोजीनियस होता है जो पर्पस किस लिए यूज़ किया जाता है उनका पर्पस क्या होता है उनका जो होता है पर्पस वो होता है सीमलेस एंड ऑफ स्टील तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट तो चार स्टेटमेंट है ए बी सी डी तो इनमें से हमें बताने है कौन सी करेक्ट तो पहला जो हमारा ऑप्शन है इस पहले राइट इन जिंक जिंक ऑक्साइड ये गलत है फर्स्ट थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्यू माइनस डब्ल्यू ये भी गलत है लेड कैन बी प्रोड्यूसड इन फ्लास्ट फाइनेंस ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से हमारी लीड निकलती है और एक और चीज़ निकलती है पे कारन जी आप याद रखिए एंड फोर्थ ऑप्शन फिरो ऑक्सीजन इज ए फस दैट कैन बी यूज फॉर लीचिंग चेल कॉपी राइट तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा डाउन थर्म इज ए प्रोसेस डाउन थर्म क्या है डाउन थर्म एक प्रोसेस है हाई टेम्परेचर हीटिंग मीडियम का ए प्रोडक्ट ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू कॉन्ट्रैक्ट द बैड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग ऑन ए कोल्ड फॉर्म पार्ट इट मस्ट वी एनेल्ड तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बैड इफेक्ट के स्ट्रेन के ऊपर तो कोल्ड फॉर्म जो पार्ट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेन इंपैक्ट करेगा तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट आर स्ट्रेट इंक्लाइन, स्लोपी डाउनवर्ड्स टू दी राइट व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज हंड्रेड परसेंट देन इसका जो आंसर होगा वो ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे तो आंसर हमारा डी होगा वो ऑल ए बी सी वेट वर्व टेम्परेचर इक्वल टू ड्राई वर्ल्व टेम्परेचर वेट वर्ल्व टेम्परेचर इक्वल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड सेचुरेशन टेम्परेचर इक्वल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो डी हमारा करेक्ट आंसर है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कोई भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गेलवनिक कॉरिजन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय जो गैल्वेनिक कॉरिजन होता है वो एनोडिक प्रोटेक्शन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता तो एनोडिक प्रोटेक्शन इज नॉट प्रिवेंट द गैलवनिक औरजन एंड गैल्वेनिक कॉरिजन के बारे में जानेंगे जे एक कोरिजन से बचाने के लिए प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम जिंक की कोटिंग करते हैं मेटल्स के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है फायर इन फ्यूल गैस पाइपलाइंस इज एक्सटिन मोस्ट अफेक्टली बाय ब्लैक द एरिया विद नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा जब फायर होती है फ्यूल गैस पाइप के अंदर लाइन के अंदर लगी होगी आग तो उसे बुझाने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है उसे हम ब्लैंकेट से ढक देते हैं नाइट्रोजन एटमोसफेयर के साथ ताकि जो आग है वो बाहर ना फैले विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल एब्रेसिव फॉर ग्रेंडिंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है उसका सबसे बढ़िया एब्रेसिव मटेरियल कौन सा है वो है एलमोनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केस हार्डनिंग इज नॉट डन बाय केस हार्डनिंग और डिपिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों से नहीं की जा सकती तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा सैटेलाइट बर्न ऑफ ड्यूरिंग री एंट्री टू अर्थ एटमोसफियर बिकॉज ऑफ हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसमें पूछा है जब सैटेलाइट नीचे आती है पृथ्वी के एटमो अर्थ के जो एटमोसफियर के अंदर एंटर करती है तो वो एं, री एं, 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 एंटर करने से पहले उसकी जो टूट जाती है वो क्यों होता है वाई इट विल डिस्ट्रॉयड इट्सल्फ इन दी एटमोसफियर ऑफ अर्थ तो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्शन विद दी अर्थ एटमोस्फियर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा in जो अगला क्वेश्चन है विद इनक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूमेट्रिक अफिशियंसी ऑफ एयर कॉम्प्रेशर इज रिमेन सेम्स जब कंपोजिशन जो कंपोजिशन कंप्रेशन रेशियो होता है इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूमेंट्रिक जो एफिशिएंसी होती होती है ऑफ एयर कंप्रेसर की वो इंक्रीज़ uh, होती है वो सॉरी डिक्रीज होगी तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स एस्पेक्ट दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इन सब में से एक में नहीं होते हैं वो क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते बायोलॉजिकल शील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज जनरली प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अंगेंस्ट दी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा गामारी एंड न्यूट्रॉन्स क्योंकि बायोलॉजिकल uh, जो शील्ड होती है बायोलॉजिकल शील्ड हमेशा इसलिए बनाई जाती हैं जहाँ लैब के अंदर जो गामा रेस और न्यूट्रॉन्स लैब के अंदर निकल रहे हैं ताकि वो हमारी स्किन के ऊपर अफेक्ट ना करें क्योंकि अगर गामा रेस बॉडी के ऊपर पड़ेंगी तो उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है और हम उससे मर भी सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सर्किट इन मोस्ट कॉमन यूज टू मेज़र स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज तो वोल्टेज बैलेंसिंग पोटेंशियोमेट्रिक से हम मेजर करते हैं ये कॉमन सर्किट होता है स्ट्रेन को मेजर करने के लिए ताकि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली फाउंड नॉट फाउंड इन बोथ एस आई एंड सी आई सी आई मत स्पार्क इग्निशन पेट्रोल में पाया जाता है और सी आई डीजल के अंदर पाता है डीजल इंजन के अंदर तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है जो कि इन दोनों में नहीं पाया जा सकता तो वो होता है फ्यूल इजेक्टर फ्यूल इजेक्टर इन दोनों में नहीं होता ना पेट्रोल इंजन में होता है ना डीजल इंजन में एयर फिल्टर होता है और एक्सॉस्ट साइलेंसर होता है और बैटरी भी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज़ द स्पेशल कॉन्स्टिटूंट ऑफ क्लोरोफिल विदाउट विच फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा नाइट्रोजन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल पाने के लिए फोटोसिंथेसिस में मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर पॉसिबल नहीं होता है तो हमारा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरत नहीं होती हमें नाइट्रोजन की नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज मेस ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द ब्लेड ऑफ पावर सॉ तो हाई स्पीड स्टील यूज़ की जाती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ताकि पावर शो का ब्लेड बनाया जा सके तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा डी कार्बोनाइजिंग ऑफ ए प्लेन कार्बन स्टील दी थिकनेस ऑफ ए फर्टाइल लेयर ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम तो डी कार्बोनाइजिंग जो होती है प्लेन कार्बन स्टील की जिसकी थिकनेस होती है फर्टाइल लेयर ग्रोथ कोई प्रोपोर्शन पटा लेयर ग्रेथ की जो थिकनेस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर टाइम के स्क्वायर रूट के नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र वेल्डिंग वाइडली एम्प्लॉयड इन द डैश इंडस्ट्रीज जो लेज़र वेल्डिंग होती है वो किस इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में हमारे फ़ोन्स होते हैं जिसमें कि जो चिप्स होती हैं वो लेज़र वेल्डिंग के द्वारा बनाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइनेस फैक्टर ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एस ए रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर इन द मिक्सचर टू द मास ऑफ द मिक्सचर ड्राइनेस फैक्टर ऑफ स्टीम इज मेजर्ड बाय बाई डेस्ट तो दोस्तों जो ड्राइनेस फैक्टर ऑफ स्टीम होती है वो मेज़र की जाती है हमेशा थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के द्वारा और ड्राइनेस जो फैक्टर होता है स्टीम का वो रेशियो होता है मास ऑफ वेपर के मिक्सचर में और मास ऑफ वेपर ऑफ द मिक्सचर के अंदर मतलब मास ऑफ वेपर का मिक्सचर होगा और जिसका रेशियो होगा आ, मास ऑफ द मिक्सचर कि पहला ऊपर वेपर मिक्सचर और नीचे मास मतलब मिक्सचर ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस ड्राउट इन लोकोमोटिव बॉयर्स तो लोकोमोटिव बॉयलर्स के अंदर प्रोड्यूस इनमें से कौन सा किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा स्टीम जेट अरेंजमेंट डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो से कोई भी संबंधित जान सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी केमिकल की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए टेम्पर ब्राइटलनेस ऑफ मटेरियल कैन बी फेयरली डिटेक्टेड बाय दी डेस्ट टेस्ट जो टेम्पर ब्राइटनेस होती है मटेरियल की वो किससे डिटेक्ट की जाती है किस टेस्ट से तो वो टेस्ट होता है नो स्ट बार इम्पैक्ट तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दी वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ एक्स रे इंक्रीज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जब एक्स एक्सरे की इंसिडेंट एक्स रे जब वेव लेंथ जो होती है जब वो आती है तो जो उसका डिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा कम होता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा हो। दी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए यूनिट लेंथ ऑफ एज डिसोकेशन एज कंपेयर टू दी स्क्रू डिसोकेशन इज जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होती है एक यूनिट लेंथ की वो कंपेयर की जाती है स्क्रू डिसलोकेशन से वो हमेशा ज़्यादा होती है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट है हमारा द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स डैश कंटेंट कोल हमेशा डिपेंड किस पे करेगी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा डिपेंड करती है मॉइस्चर के ऊपर तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ कंडेंसर एंड एवेपोरेटर्स ऑपरेटिंग अंडर गिविन थर्मल कंडीशन एल एम टी डी फॉर काउंटर फ्लो एज कम्पेयर टू दैरल फ्लो इज इज़ इक्वल ऑपन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कंडेंसन और एवेपरेटर के अंदर जो एल एम टी डी होता है काउंटर फ्लो के और पैरल फ्लो के बराबर वो हमेशा बराबर होता है तो सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्मलाइजिंग डज नॉट डैश ऑफ ए मेटल्स जो नॉर्मलाइजिंग होता है वो होता है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड टेंशन स्ट्रेंथ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट डज नॉट मेजर देंशन हार्डनेस ऑफ मेटल्स एंड अलॉय इनमें से कौन सा हार्डनेस टेस्ट होता है जो कि मेजर नहीं करता है मेटल्स और अलॉय की हार्डनेस को तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा रॉक वेल हार्डनेस टेस्ट डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ विद इंक्रीज इन एनिलेपरेचर डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज ऑल ऑफ दैम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा जब एनिलेचर का एनिलिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो जो डिफेक्ट होते हैं डेंसिटी में डिक्रीज होने के वो हमेशा वैकेंसी डिसलोकेशन और ग्रीन बाउंड्री को नीचे घेर देते हैं मतलब डिक्रीज़ कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्नोट साइकिल इज आल्सो टर्म्ड एज कांस्टेंट डैश साइकिल इन थर्मोडाइनमिक्स जो कार्नोट साइकिल होती है वो एज अ कॉन्स्टेंट हीट साइकिल इन थर्मोडाइनमिक्स तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर थर्मिस्टर आर यूज्ड इन द डैश डिवाइसेस किए जाते हैं वो टेम्परेचर मेजरिंग और टेम्परेचर कंपेंसेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टूल्स आर यूजली मेड ऑफ ब्रोचिंग टूल्स किस चीज के बने होते हैं वो होते हैं टेक्सन कार्बोहाइड के बने हुए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन इज वन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा जो शेयर स्ट्रेस का होता शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस का रेशियो होता है प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर वो हमेशा सॉरी वन बाई थ्री होता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू लिक टू लिक्विड स्टोरेज टैंक इज़ इक्वल टू जो सेफ डिस्टेंस होता है दो लिक्विड फ्यूल्स के अंदर जो स्टोरेज टैंक है दो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो उनका डिस्टेंस होगा वो हमेशा हाइट के डिवाइड में सिक्स हो सिक्स होगा मतलब कि जैसे कि अगर छः मीटर अगर हाइट है टैंक की दोनों की तो जो डिस्टेंस होगा वो हम इन दोनों के बीच में एक मीटर का रखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर प्रोपोल्शन ऑफ रॉकेट फ्लोज फ्रॉम दी न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन प्रोपोल्शन जो ऑफ रॉकेट होता है मतलब रॉकेट जब उड़ता है तो वो किस लॉ का प्रयोग करता है तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ का प्रयोग करता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है जो भी ड्यू टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो भी एक्शन होगा वो उसी रिएक्शन के बराबर होगा जिसके अपोजिट उसका रिएक्शन है तो ड्यू विच एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन मल्टीपास वेल्ट शूट पिपिन इज डन आफ्टर ईच पाइप पास टू जो मल्टीपास वेल्ट होती हैं शूट पिनिंग की जाती हैं ईच पास के हमेशा क्लोज टू दी surface porosity, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है हमारा. Uh, इसमें हमें सही बतानी है तो हमें ऑप्शन नंबर ए बी सी सब देखने पड़ेंगे तो मेटेरियल एक्सटेंडिंग हाई प्लास्टिक बाय बायो हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ रबर अंडर कंप्रेशन इज सेम एसिड्स बिहेवियर टेंशन The dumping capacity of material is due to the plastic deformation, the stress required to cause plastic flow in poorly.